आखिर फांसी की सजा ही क्यों, अगर हम किसी को अधिकतम सजा देना चाहते हैं कि भाई तुमने हद कर दी, अब कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो उसके लिए फांसी ही क्यों? जो आप सवाल उठा रही हैं वो जस्टिस सिवासदम अपने रिटायरमेंट से कोई 5 या 10 दिन पहले मुझसे निजी बात हो रही थी उनके घर पर बैठे हुए जी, और वो मुझसे इसी विषय पर बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी जब तक मैं रिटायर नहीं होता तब तक ये कभी आप रिवील मत करना। बट उन्होंने जो बेअंत सिंह जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे, जिनका टेररिस्ट अटैक जिन पर हुआ था, जिसका किलर था जी, वो डेथ रो पे था जी, जी, और उसको उन्होंने कहा कि ये क्रूअल अनयूजुअल पनिशमेंट है, क्योंकि इसको पता नहीं कितने 30-35 साल हो गए यहाँ पर, ये बिल्कुल पागल हो चुका है, और इसको ये भी नहीं पता कि ये है कौन, ये इंसान है या जानवर है जी, ये तो लिविंग डेथ है। उन्होंने ये कहा कि इस अगर आपने ये सिस्टम को वर्क करना है, आपको अपना जुडिशियल प्रोसेस आपको क्विकन करना पड़ेगा जी, जी। और आपको असली आदमी को, ये नहीं कह रहे थे कि वो इनोसेंट है या गिल्टी है, उन्होंने कहा कि इतना सबर कर चुका है जी। अगर डेथ पेनल्टी है इस कंट्री में, नंबर वन आप तो अपना प्रोसेस चेंज करिए कि इट्स स्विफ्ट एंड इट्स एक्सिक्यूटेड इन एन एब्सोल्युटली फेयर वे। नाउ इज इट एक्सिक्यूटेड इन अ फेयर वे और नॉट?